risk it all again. अगर धक्का ये नहीं मारा मैं इसको मारेगा। ओहो ब्लॉगर वगैरह वो वाह बहुत जल्दी समझ रहे हो। बस अभी स्ट्रगलिंग एक्टर हैं हम लोग। वाह तो हार चढ़ाने के पहले ये सब साफ करवाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा गंदा हो गया है। ये जो पार्सल मैंने बताया था कि आज ही आया है ये एक्चुअली उसकी एक्सेसरीज है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं अपनी जो स्पोर्ट्स बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। कौन सी बाइक है जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है या पिछला ब्लॉग जिन्होंने देखा है उनको पता ही होगा कौन सी बाइक लेने जा रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ मेरी फैमिली मेंबर जो सब आज मंडे है तो सब लोग काम पे गए। मैंने सोचा कि श्रावण का पहला सोमवार है तो आज ही डिलीवरी लेते हैं लेकिन सब लोग ऑलरेडी ऑफिस में है तो उनका आने का वेट कर रहा हूँ। और एक और चीज़ का वेट कर रहा था मैं वो है ये पार्सल जो मैंने मोटो किंग से मंगाया हुआ है। तो बस अभी जैसे ये लोग सब आ जाते हैं फिर मैं फटाफट फ्रेश वाश होके नहा धो के चकाचक होके गाड़ी लेने जाते हैं और आज का मोटो व्लॉग सीधा उसी बाइक पे होगा। So afraid that you'll run out of patience. Trust me, I know how it feels to be hopelessly waiting. Sometimes I don't know if I can even change, but I'm still trying. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. You can't be before I crash.
फाइनली आ गई अपनी Z900 अपने हाथ में, लेकिन अभी मुझे इतना गंदा लग रहा है ना चलाने को, क्योंकि यार इतनी अच्छी ब्लैक ब्यूटी मैंने ली है और ये कीचड़, शिट मैन। मतलब पूरा दिन आज बारिश नहीं था, फिर धूप आई, अचानक बारिश आई, फिर वापस रास्ता सूख गया। मैं जैसे कि कावासाकी पहुंचा, आप लोगों ने देखा रहेगा जो शॉर्ट्स मैंने लिए थे रोड के, वो पूरा सूखा था, और जैसे मैंने कर्टन उठाया ऐसा लगा मैंने बादल को हटा दिया, कर्टन की हवा से बादल हट गए और बारिश वाले बादल आ गए, बारिश वाले बाबा। चलो कोई नहीं, अभी बारिश का सीज़न है, आज नहीं तो कल तो गाड़ी ख़राब होने वाली ही थी। अब अगर इसको ऐसे ही सर पे लेके घूमना था तो फिर लेके मतलब भी नहीं था ना, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, चलता है। बस आई होप ये पीछे से कीचड़ उड़ के ना ख़राब ना हो जाओ, बस बाकी सब बढ़िया। सबसे पहले इसका पेट भरेंगे, हमारा तो उपवास है, महाशिवरात्रि है, शाम को खाएंगे उपवास, मतलब शाम को छोड़ेंगे। यार क्या मतलब, बहुत टाइम हो गया मेरे को इनलाइन फोर छोड़ के, आज वापस वो जो स्मूदनेस है ना, मतलब ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे, क्योंकि अभी साउंड नहीं है। लेकिन साउंड ना होने का एक और फ़ायदा ये है कि जब साउंड होता है ना तो लोग क्या करते हैं, अपने मज़े के लिए नहीं चलाते वो लोग, फिर पब्लिक रिएक्शंस के हिसाब से चलाते हैं, जानबूझ के रेव करते हैं, जानबूझ के अग्रेसिव चलाते हैं। लेकिन जब साइलेंट होती है ना तो उसकी साइलेंस और वो जो मेलोडी है वो मज़े, मतलब उसका मज़ा लेने के लिए आप खुद एकदम मस्त चलाओगे आराम से। बंदे अपने वीडियो ले रहे, पहले दिन को पब्लिक रिएक्शन मिल गया विदाउट एग्जॉस्ट, ठीक है तो कॉमन बात है। जब नई नई KTM Gen 3 ली थी तभी भी यही सीन हो रहा था कि 900 में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया है, क्योंकि ये कॉमन हो गई अभी, ऐसा कोई नया मॉडल नहीं है, ये पुराना मॉडल ही, और ये कलर भी इतना कोई नया नहीं है, बिका हुआ है, बहुत लोगों के पास है। चलो कोई नहीं, लेकिन अपनी तो अपनी होती है और हमारी हम यूनिक बनाएंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। डर लगता है ना ऐसे गैप निकालने में नई नई बाइक में, और KTM अपना ऐसे फिल्टर करते हैं, happens। वो एक्चुअली मैंने नीचे से इसलिए लिया क्योंकि मुझे पेट्रोल भरना है, और हमारे यहाँ से माहिम तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हाय सर, हाउ आर यू, कैसी लग रही है? सही में पेट्रोल पंप नीचे बोल के उल्लू बनाया यार, नीचे तो ट्रैफिक है, गूगल मैप पर टाकना रे, कीचड़ यहाँ तक उड़ता है भाई, ओ माय गॉड, उड़ रहा है, इतना स्लो चलाया मैं जानबूझ के ताकि उड़े ना, मेरा भाई बेचारा ऊपर से चला गया, वो रुकेगा आगे, अभी जुल्फी भाई हो गया ना, बाल बढ़ा के वो एकदम उड़ाने के हिसाब से, हेलमेट पहना था कि नहीं उसने? तो गाइस ये जो कीचड़ है आगे के टायर का यहाँ तक उड़ रहा है, मुझे बस कीचड़ का ही डर है। और दो तीन चीज़ मैंने देखी है, देखो ये कितना हिल रहा है, ये हिल रहा है, फिर ये जो पैनल लगे देखो, वो पूछना पड़ेगा कावासाकी में, पता नहीं अब उसका सीन क्या है। अग्रेसिव फुटपैक्स है इसमें, तो उसका एक फ़ायदा है कि जो टायर से कीचड़ उड़ रहा है ना वो मेरे पैर पे नहीं उड़ रहा है, सो दैट्स गुड। तो चलो अभी रोड पे पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, मैं क्या दिखाऊँ इसमें आप लोगों को, सीधा पेट्रोल पंप में मिलता हूँ, पेट्रोल भरता हूँ और जाता हूँ सीधा घर पे, और हार वार चढ़ाते, उसके बाद जो पार्सल हमारा आया है उसके अंदर हमने क्या क्या सामग्री मंगाई है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो घर पर जाते हैं, तो पहले पेट्रोल भरते हैं फिर घर पर जाते हैं, वो देखो प्लेन, तो पहले पेट्रोल भरते हैं घर पे जाते हैं और हार चढ़ाते हैं और सीधा आप लोगों को दिखाएंगे एक्सेसरीज। धक्का मारना पेट्रोल पंप नहीं मिला ना, तो अगर धक्का ये नहीं मारा मैं इसको मारे। फर्स्ट फ्यूल अप फुल, पावर तो ये संभाल के, थैंक यू। उधर देखो जीरो, हाय जीरो, कितना है फुल ना, फुल, ओहो ब्लॉगर वगैरह, वो वाह बहुत जल्दी समझ रहे हो, क्या करते हो, क्या बना रहे हो? बस अभी स्ट्रगलिंग एक्टर है हम लोग, वाह कितना हुआ, जाहिर है जाहिर है, डालो डालो और ऊपर तक गले तक भर दो उसका। हीटर वगैरह कर रहे होगे तुम? हां क्या कर रहे हो, हीटर वगैरह कर रहे होगे, मतलब वो जो सीखने के लिए करते हैं, नहीं रे मजाक कर रहा हूँ भाई, स्ट्रगलर नहीं है अपन, फिटनेस ट्रेनर है
और साइड बाई साइड व्लॉगिंग करते हैं। नाम नाम बताओ। नील बाइकर होलिक। नील बाइकर। अच्छा, बाइक के साथ बाइकर होलिक। वो एल्कोहलिक होते ना लोग, अपन थोड़ा बाइकर होलिक है। सही ना। कितना है? 1600। कितना लीटर है? 1450। जी पे है। अब चढ़ाते हैं हार। यार ये देखो हालत, तो हार चढ़ाने के पहले ये सब साफ करवाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा गंदा हो गया ये सब। मडगार्ड अभी वॉश करवाता हूँ और फिर सीधा घर पे जाता हूँ। गाइस कावासाकी अपनी घर पे आ गई है और जो भी उनका पूजा वूजा सब करना था सब हो गया। अब ये जो पार्सल मैंने बताया था कि आज ही आया है, ये एक्चुअली उसकी एक्सेसरीज है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर किंग मोटो किंग दिल्ली करोलबाग में। तो वो मैंने एक हफ्ते पहले ही मंगा ली थी। तो क्या है उसको अनबॉक्स करते हैं। पहले अपनी वैलोरेंट वाली नाइफ निकालते हैं, ठीक है, और हम इसको चीर फाड़ करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने मंगाई है। सारी की सारी ओरिजिनल है, कोई भी आफ्टर मार्केट मतलब कॉपी नहीं है, सब की सब ओरिजिनल है। कैसा ही लग रहा हूँ। तो एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले ये है प्यूग। तो ये प्यूग का मेरे ख्याल से वारंटी सील सब लिखा हुआ है, विंडशील्ड है, ठीक है, बट पूरा पेटी पे है तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ बॉक्स थोड़ा खुल जाता है। तो ये रहा प्यूक का विंडशील्ड। ये है Z900 के साइड के विंगलेट। ये है प्यूक का ओरिजिनल इंजन केसिंग, मतलब इंजन के ऊपर जो कवर्स लगते हैं वो। तो ये है में जो इसका विंगलेट लगता है Z900 का। ये है ईवोटेक के फ्रंट फोक्स लाइट। ये है ईवोटेक का रेडिएटर ग्रिल, प्यूक के इंजन केसिंग, सारे इंजन के कवर्स, ये सब रैप्ड है पूरा। ये लगाने के टाइम पे इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा खुद भी इंस्टॉल करने के लिए। ये रहा चिन जो बाइक के चेहरे के नीचे लग रहा है। ये है ईवोटेक के फोक्स लाइटर्स। तो एक्चुअली अपनी बाइक के अंदर ऑलरेडी फोक्स स्लाइडर लग के आया हुआ है, रेडिएटर ग्रिल लग के आया हुआ है। तो अपनी ये बाइक में ऑलरेडी फोक स्लाइडर्स लग के आए हुए हैं, रेडिएटर ग्रिल भी लग के आया हुआ है और इंजन गार्ड भी लगा हुआ है। मतलब गार्ड मतलब ऐसा ही कोई गार्ड है उसमें कंपनी का, उन्होंने कोई वेनम रेसिंग कंपनी का लगाया हुआ है। उसका बिल भी दिया है कुछ 16-17 हज़ार का, वो लोगों ने लगा के दिया। बट मैंने ऑलरेडी ये सब मंगा लिया था और मेरे को उनका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो बाइक अगर महंगी है तो फिर ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम रिप्लेस कर देंगे, उनकी चीज़ लेके घर पर रख देंगे और ये सारी चीज़ें वापस उसमें लगा देंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारी डिलीवरी में अगर छोटी मोटी चीज़ें कम लगे तो इग्नोर करना और आज से Z900 और KTM दोनों के ब्लॉग एंजॉय करना। पीस आउट।